बाजे वालों को प्रदेश सरकार ने मांगलिक कार्यक्रमों की अनुमति दे दी है, जिसके बाद मध्य प्रदेश बैंड महासंघ ने राजवाड़ा पर आकर्षक प्रस्तुति दी और अहिल्या माता की प्रतिमा के चक्कर लगाए। सांसद शंकर लालवानी का सम्मान किया और सीएम शिवराज को धन्यवाद भी ज्ञापित किया। इंदौर के हृदय स्थल कहे जाने वाले राजवाड़ा पर आज बारात जैसा माहौल नजर आया, जहां मध्य प्रदेश भिंड महासंघ ने प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और इंदौर के सांसद शंकर लालवानी को हो हल्ला गाने की प्रस्तुति देकर धन्यवाद दिया। बताना चाहेंगे कि कोरोना काल में करीब 9 महीने बाद इंदौर के राजवाड़ा पर इंदौरियों को बैंड बाजे की धुन सुनने को मिली। दरअसल कोरोना संक्रमण की वजह से इंदौर जिले में बैंड बाजे पर प्रतिबंध था, जिसकी वजह से बैंड बाजा वालों के परिवारों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था। लंबे समय से अनुमति की मांग कर रहे मध्य प्रदेश बैंड महासंघ को प्रदेश सरकार ने अनुमति दे दी, लिहाजा सरकार और सांसद शंकर लालवानी के सम्मान में राजवाड़ा पर मां अहिल्या बाई की प्रतिमा के सामने आकर्षक प्रस्तुति दी गई। इस दौरान मध्य प्रदेश बैंड महासंघ समिति ने फैसला लिया कि हर मांगलिक कार्यक्रम में इंदौर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए स्वच्छता का गाना गाया जाएगा। इस मौके पर सांसद शंकर लालवानी ने बैंड बाजे वालों की तारीफ करते हुए कहा, अब हर जगह मांगलिक आयोजनों में स्वच्छता का गाना सुनाई देगा। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए अब सभी जगह बैंड बाजा को अनुमति मिल गई है। कुल मिलाकर सरकार द्वारा परमिशन दिए जाने के बाद अब बैंड बाजा वालों के परिवार की जिंदगी न सिर्फ पटरी पर लौटेगी बल्कि आर्थिक संकट भी खत्म हो। तुलसी सिलावट जी ने घोषणा करवाई हमारी वहाँ पे क्या बैंड बजेंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में बैंड वालों को परमिशन दे दी है कि आप शादी ब्याह में आप बैंड बजाएं। क्या गाइडलाइन के साथ? गाइडलाइन सोशल डिस्टेंसिंग, वो तो हम ऑलरेडी पहले से ही चलते हैं, 2-2 फीट दूरी, 3-3 फीट दूरी से पहले चलते हैं हम, तो उसमें तो कोई परेशानी है ही नहीं। एक नई धुन भी आपने? हाँ, स्वच्छता की धुन हमने बजाई है। स्वच्छता की धुन हमने, अब हमने ये सभी प्रदेश के सारे लोगों को, हमने हमारे एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष शहर अध्यक्षों को आदेश दिया है कि आप किसी भी शादी ब्याह में या कोई भी धार्मिक कार्यक्रम में जाएं तो पहले स्वच्छता की धुन बजाएं और उनको ये संदेश दें कि आप अपना देश प्रदेश अपना शहर स्वच्छ रखें। बैंड में कितने लोग होंगे, ऐसी कोई गाइडलाइन क्या हुई? भाई एक्चुअली अभी तक तो ये है कि पूरा बैंड उन्होंने लिख के दिया है, पूरे बैंड में 15-16 आदमी होते हैं, पूरा बैंड मतलब 16 आदमी। आज किस तरह से आपने धन्यवाद? आज हमारे को सब लोगों ने, हमने डिसीजन लिया था कि अहिल्या माता के चरणों में जाके हमारी कुर्सी जो परमिशन दी गई है, तो उस हिसाब से आज 151 आदमी का जो बैंड बज रहा है यहाँ पे, वो 1 घंटा प्रस्तुति देगा और माँ अहिल्या के चरणों में हम ये निवेदन करते हैं कि सब कुछ पूरा देश अच्छा हो जाए, ये बीमारी खत्म हो। आपका परिचय? मेरा परिचय, मध्य प्रदेश बैंड महासंघ समिति का अध्यक्ष हूँ मैं, मेरा नाम है अब्दुल सलाम। कई दिनों से बैंड वाले आ रहे थे और कोरोना के दौरान 4 लोगों की परमिशन थी, लेकिन उनका कहना था कि इस बार बहुत कम शादी मांगलिक कार्यों के मुहूर्त है और कुछ ही दिनों के लिए, अगर कुछ दिन में हम बैंड नहीं बजा पाएंगे तो हमारे साथ कई परिवार जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक एक बैंड वालों के साथ 20-20 लोग हैं और 20-20 लोगों के साथ उनके परिवार हैं। एक बैंड वालों के साथ 100-100 के परिवार सहित अगर लिखें तो हजारों लोग इंदौर में और मध्य प्रदेश में तो लाखों लोग जुड़े हुए हैं। इनका एक महासंघ की बैठक हुई थी, उनमें बुलाया था, उन्होंने कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करना चाहते हैं कि हमें कुछ दिनों के लिए जब मांगलिक कार्य है उसमें बैंड की परमिशन दी जाए फुल फ्लेज में। मैंने ये विषय माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि बैंड वाले ये चाहते हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही सहज है और वो समझते हैं इन चीज़ों को। उन्होंने जैसे ही उन्होंने उनकी मांग की, उन्होंने उसको स्वीकृत किया और जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि पूरी कंडीशन के साथ इनको इजाज़त दी जाए, बैंड मांगलिक कार्य में बजा सकते हैं। अब पूरी बैंड बजेगी लेकिन कुछ उनको कंडीशन दी गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें, क्योंकि बैंड बजाते हैं मास्क नहीं लगा सकते, लेकिन जब नहीं बजाते तब वो मास्क लगाएं, इस बातों का ध्यान रखा गया और थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करें, कोई भी ऐसा व्यक्ति बैंड में शामिल ना हो जिसको इस प्रकार के सिम्टम हो। जब वो उनकी परमिशन मिल गई तो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करने और मुझे स्वागत करने के लिए कहा, मेरे का मेरा स्वागत ही है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार है, लेकिन हम सब मिलके माँ अहिल्या के चरणों में वंदन करेंगे कि इस कोरोना महामारी को शीघ्र दूर करें और उनके चरणों में धुन बजाएंगे। लेकिन उनसे मैंने एक निवेदन और किया था कि हम स्वच्छता में नंबर 1 है पिछले 4 वर्षों से, क्यों ना हम सब मिलके एक प्रण लें कि स्वच्छता में नंबर 1 फिर से पंच लगाएं, उसको लेके अगर आप हर मांगलिक कार्य में जाएंगे और पहले ये धुन बजाएंगे स्वच्छता को लेकर, तो उन्होंने सहमति दी है और उन्होंने कहा कि अब हम ये संकल्प लेते हैं कि आने वाले हर मांगलिक कार्य में पहला जो धुन रहेगी या पहली जो बैंड बजाएंगे वो
स्वच्छता को लेकर बजाएंगे, और वो संकल्प के लिए मैं प्रति आभार व्यक्त करने आया हूँ। और ये संदेश है पूरे देश में कि स्वच्छता को लेकर हमारे इंदौर का एक एक व्यक्ति, चाहे भेंड वाला हो छोटा हो, लेकिन उसके मन में ऐसी संकल्प है कि स्वच्छता इंदौर में पंच हम फिर लगाएंगे। और उसी को लेकर हमने देखा कि जब मैं आया तो पहली जो धुन बजी थी वो स्वच्छता को लेकर बजी थी। ये बहुत बड़ा संकल्प है और ये पूरे देश में एक संदेश है।